जय माता दी। प्रिय धनुराशि, 14 फरवरी 2024 के दैनिक राशिफल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। 14 फरवरी को बेहद खास योग बने हुए हैं। गज केसरी योग के साथ लक्ष्मी योग और साथ ही सूर्य का राशि परिवर्तन, आमदनी के नए मौके आपको मिलेंगे, जानेंगे हम इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक बने रहे। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरुआत करेंगे रोज की तरह दैनिक पंचांग से। तो कल 14 फरवरी का दिन बसंत पंचमी का त्यौहार है और सूर्य का महागोचर कुंभ राशि में। साथ ही दोस्तों बुधवार का दिन है, गणेश भगवान को समर्पित ये दिन। विघ्न हरता हरेंगे तमाम तरह के विघ्न, पंचमी तिथि है दोस्तों और शुक्ल पक्षा है। नक्षत्र पूरा दिन रेवती नक्षत्र बना रहेगा और शुभ योग और शुक्ला योग का पूरा दिन संयोग बनने से लक्ष्मी योग और गज केसरी राजयोग धनु राशि पर बना रहेगा। चंद्रमा जो है मेष राशि में संचरण कर रहे हैं पूरा दिन, साथ ही सूर्य कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं और शनि देव भी कुंभ राशि में अस्त हो चुके हैं। मंगल का गोचर मकर राशि में है और आपके लिए बेहद फायदेमंद है ये समय। चलिए दैनिक पंचांग के बाद दैनिक राशिफल की बात करें तो धनु राशि वालों का 14 फरवरी का दिन नौकरी पेशा जातकों के लिए तलाश पूरी हो जाएंगी उनकी नौकरी की, मनचाही नौकरी और मनचाही वेतन वृद्धि की। पसंदीदा नौकरी तो प्राप्त होगी, साथ में जबरदस्त वेतन का ऑफर भी आपको मिलेगा। काफी समय से अटका हुआ पैसा आपको मिलने के पूरे पूरे आसार बने हुए हैं और यात्रा आपके लिए काफी लाभदायक रहेगी। अगर आप कल कोई यात्रा करते हैं, आय के नए स्रोत प्राप्त हो सकते हैं, मतलब कई कई अलग अलग माध्यमों से आप इनकम अर्न करेंगे, धन कमाने के जो मौके आपको मिलेंगे, आप सफल रहेंगे। सरकारी कार्यों में सफलता हासिल होगी, चारों तरफ से खुशियां बरसेगी। ज्वेलरी से जुड़े व्यापार में लाभ होगा। नई नौकरी के लिए समय बेहद खास, कोई वादा या सौदा करने के पहले उसके छुपे पहलुओं को गौर से देख ले। और साथ ही सूर्य के राशि परिवर्तन की बात करूं तो सूर्य कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं। कुंभ संक्रांति के नाम से जाना जाता है ये दिन, बसंत पंचमी। साथ ही एक महीने तक 14 मार्च तक सूर्य का महागोचर आपकी कुंडली के तृतीय भाव पर हो रहा है। तृतीय भाव होता है हमारे पराक्रम का। देखिए राशि का तृतीय भाव धनु राशि के पराक्रम भाव में गोचर करने से सूर्य के प्रभाव में अप्रत्याशित ऊर्जा शक्ति का संचारण आप में मिलेगा, यानी आप में जबरदस्त आत्मविश्वास भरेगा, कूट कूट कर ऊर्जा भरी रहेगी। काफी दिनों के प्रतिशिक्षित कार्य संपन्न हो जाएंगे। इस अवधि के मध्य आपके सभी निर्णय सफल होंगे और कति सटीक सही साबित होंगे। परिवार में छोटे सदस्यों से अलगाववाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यहाँ पर सरकारी विभागों के कार्य संपन्न होंगे। किसी दूसरे देश के लिए वीजा आदि का आवेदन करना चाह रहे हैं तो इस अवधि में वो पूरा हो सकता है और उस दृष्टि से यह गृह स्थितियां काफी अच्छी बनी हुई हैं। माता पिता के स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी सी यहाँ पर आपको मानसिक चिंता सता सकती है। इसके अलावा 14 फरवरी पर आपका लव लाइफ कैसी रहेगी तो जो विवाहित है उनके जीवन में और खुशियां बढ़ेंगी और जो अविवाहित है, जो प्रेम की तरफ अग्रसर है, उनको मनचाहा प्रेम मिलेगा। जीवन में प्रेम की कमी पूरी होगी। अकेले हैं तो उस अलगाववाद से गणेश भगवान आपको बाहर निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। जीवन में खुशियों का संचार होगा, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ दिन की शुरुआत होगी और आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। तो कमेंट बॉक्स में जय गणेश भगवान जरूर लिखे और गणेश जी को ध्रुवा जरूर चढ़ाइए सभी फलों के लिए।